नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का ख्याल मकदम करती हूं। दोस्तों, कभी आपने क्या सुना है कि माँ अपने बच्चे को किसी बात पे रोक दे, टोक दे या डांट दे तो वो माँ की जान ले ले? 10 साल पहले तक ऐसी कभी कोई घटना मैंने तो नहीं सुनी थी और अब ऐसी खबरें आम हो गई हैं। पबजी खेलने से मना कर दिया तो अपनी ही माँ को माँ की जान ले ली गोली मार के। जी हाँ, ये घटना है लखनऊ की PGI इलाके की, जहाँ पर LDCO कॉलोनी में साधना यानी कि माँ बच्चों की और 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रह रही थी। साधना के पति कोलकाता में रहते हैं और वे आर्मी में ऑफिसर हैं। साधना का बेटा पबजी गेम खेलने का आदि था। जाहिर सी बात है, माँ ने उसको इसके लिए रोकना टोकना ही था। आए दिन माँ बेटे में गेम को लेकर के यानी कि पबजी को लेकर के बहसबाजी होती थी और वो उसे पढ़ने के लिए बोलती भी थी, लेकिन साधना का बेटा पबजी में ही लगा रहता था और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। और ये जो गुजरा रविवार है, माँ ने एक बार फिर से पबजी गेम खेलने के लिए अपने बेटे को रोका और दोनों आपस में इतनी बुरी तरह लड़ पड़े कि बेटे ने माँ को सीधे अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर गोली चला दी और मौके पे ही माँ की मौत हो जाती है। शुरुआत में देखिए, इस घटना का किसी को पता नहीं चलता है और डर की वजह से ये जो बेटा है, बच्चा है जो, उसने रिवॉल्वर को बेड में छिपा दिया और उसके बाद उसने अपनी छोटी बहन को भी बहुत डराया धमकाया और दूसरे कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक बेटा घर में माँ के डेड बॉडी के साथ रहता है और जब बॉडी में से स्मेल होने लगती है तो वो बाकायदा रूम फ्रेशनर प्रयोग करता है और जब उसे लगा कि अब कोई चारा नहीं रह गया, तब जा कर के वो मंगलवार देर शाम अपने पिता को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि माँ की हत्या हो गई है। ये नहीं बताता कि उसने क्या किया इस घटना में। अब आप देखिए, इस बच्चे ने अपने घर में अपने दोस्त को भी बुलाया। जब अपनी माँ की जान लेता है उसके बाद उसने अपने दोस्त को बुलाया, लेकिन दोस्त ने माँ के बारे में जब पूछा कि आंटी कहाँ है, तो उसने कहा कि वो माँ दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ गई हुई है। और तीसरे दिन यानी कि सोमवार को एक रात और दूसरे दोस्त को बुलाया और दोनों रात उन लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया, खाया, पार्टी की और एग करी ऑनलाइन मंगवाई, इसका भी रिकॉर्ड है। और इस बीच जो बॉडी थी काफ़ी सड़ने लगी थी, बदबू आने लगी थी। जाहिर सी बात है, गर्मी का दिन चल रहे हैं और आरोपी ने दोस्त को इस बात की भरक बिल्कुल भी नहीं लगने दी, क्योंकि वो रूम में लगातार खुशबूदार चीज़ों का छिड़काव कर रहा था। मंगलवार की सुबह दोस्त जब चला गया तो वो लड़का जो है मोहल्ले में खेलने निकलता है और शाम तक बदबू बहुत फैल जाती है और रात में वो अपने पिता को वीडियो कॉल करता है। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। इस समय इनकी पोस्टिंग बंगाल में है। लखनऊ के PGI इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है और यहाँ पर इनकी पत्नी साधना अपने बेटे 16 साल का ये बेटा है और 10 साल की बेटी है उसके साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात को अपने पिता को वीडियो कॉल की और बताया कि माँ की हत्या हो गई है और उसने पिता को शव भी दिखाया। उसी समय पिता ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और वो रिश्तेदार घर आता है, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी पहुंचती है और जो अंदर का उन्होंने सीन देखा उसको देख करके पुलिस भी दंग रह गई। इस बारे में ADCP कासिम आब्दी के अगर बात पे गौर करें तो उन्होंने ये बताया, बेटा मोबाइल पे गेम खेलने का आदि था लेकिन साधना यानी कि उस बच्चे की माँ उसे गेम खेलने से रोकती थी और शनिवार की रात को भी माँ बेटे में गेम को लेकर के झगड़ा होता है। बेटा इसे नाराज हो गया और रात में करीब जिस समय माँ गहरी नींद में सोई हुई थी, उसने
पिता की पिस्टल निकाली और अपनी माँ पे गोलियां दाग दी। और इसके बाद जो छोटी बहन थी 10 साल की, उसे भी डरा धमका करके कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने देर रात बाहर का गेट खोला तो अंदर से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि पुलिस वाले भी अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने नाक पे कपड़ा रख करके किसी तरीके से अंदर एंट्री ली और उन्होंने देखा कि साधना की बॉडी जो थी वो सड़ चुकी थी और चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उसी कमरे में एक छोटी सी बच्ची 10 साल की सिसकियाँ ले रही थी और पुलिस का ये कहना है कि बेटे ने बहन के सामने माँ को गोली मारी। इससे वो इतनी दहशत में आ गई कि भाई के कहने पर वो माँ की लाश के साथ ही सोती रही। पुलिस को साधना के शव के पास से नवीन की, यानी कि वो जो लड़का है, उसके पिता की लाइसेंसी पिस्टल भी मिलती है और पिस्टल की मैगजीन पूरी तरह से खाली थी। इससे पुलिस ये अब अनुमान लगा रही है कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां माँ के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश इतनी सड़ चुकी है, इस वजह से बॉडी पे कहीं भी शॉट दिखाई नहीं दे रहे हैं और काफ़ी पुलिस से पूछताछ की। पहले तो बेटे ने कुछ बहाना बनाया कि कोई इलेक्ट्रिशियन आया था, उसने माँ की हत्या की है, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने बताया कि उसने माँ को इस तरीके से गोलियाँ उस पर दागी। अब पुलिस ये इंतज़ार कर रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए और सारा माजरा जो है वो पता लगे। दोस्तों, ये जो घटना है, ये इधर 3-4 साल की अगर बात करूं तो कोई नई घटना नहीं है। ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब मोबाइल को लेकर के, खासतौर पर पबजी को लेकर के घरों में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। और इस बच्चे ने तो हद कर दी, इसने अपनी माँ पे ही वार कर दिया, मतलब उसने अपनी माँ को ही रास्ते से हटा दिया। आप इस घटना को क्या कहेंगे? क्या हमारी परवरिश में कोई कमी है, या कि मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है स्कूल में? नहीं ना, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो गलत संगत में पढ़े, इसीलिए माँ इस बच्चे को भी रोक रही थी। दूसरी बात, स्कूली शिक्षा भी ये नहीं कहती है कि आप इस तरीके के कारनामों को अंजाम दें। तो फिर कौन है, क्या चीज़ है जिससे आज की पीढ़ी जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही है? बस सोचने की बात है ये कि पबजी गेम के लिए एक किशोर जो है अपनी माँ को रास्ते से हटा देता है। क्या कहते हैं आप अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।